गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले जयकारा लगाएंगे गुरुदेव जी का। सो फर्स्ट वी कॉल आउट जयकारा एंड सेशन टुडे सेशन आज का सेशन इंग्लिश और हिंदी में मिक्स करेंगे आज भी, ठीक है। पूरा इंग्लिश में नहीं करेंगे, पूरा हिंदी में भी नहीं करेंगे, इंग्लिश और हिंदी में मिक्स करेंगे। और क्योंकि इंग्लिश में कर रहे हैं इसीलिए क्या करेंगे ना, थोड़ा जो बेसिक टर्म्स हैं हिंदी में, जो बेसिक टर्म्स हैं जैसे जयकारा, जयकारा क्यों लगाते हैं, जयकारा का पर्पस क्या होता है, उसके बारे में तो लोगों को जो इंग्लिश जानते हैं उनको जानकारी नहीं है। तो आज थोड़ा सा बेसिक भी समझेंगे चीज़ को, ताकि हमें भी अगर जयकारे का मतलब नहीं पता तो हमें पता होना चाहिए। सो व्हाट विल डू, विल डू दिस सेशन इन dual language English and Hindi, and we will understand the basic terms of Indian spirituality, how do we connect with the with our Guruji or connect with our power, why we call out the Jaikara. So these are the basic terms which we will understand why we call out Jaikara and all. So first let's call out the Jaikara, pehle Jaikara lagate hain Gurudev ji ka, then we will understand what is Siddhi Yoga and how does it work. ओके चलिए जयकारा लगाते हैं सब मिलके। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल्कि अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जानसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। बोलो गोरक्ष धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति, जय श्री गुरुदेव। सबसे पहले थोड़ा सा सिद्ध योग का ब्रीफ करते हैं, उसके बाद आप सब सोच के रखो कि आप जयकारा क्यों लगाते हो, ठीक है। जयकारे का क्या मतलब है आपके लिए, तो आपने थोड़ा सा पहले मैं सिद्ध योग के बारे में थोड़ा इंग्लिश में बता देता हूँ, उसके बाद आप किसी को आपको बताना हो जयकारे का मतलब क्या है तो आप YouTube पे मुझे लिख देना, मैं पढ़ दूंगा। और आपने किसी ने बात करनी हो तो आप बात भी कर सकते हो। सो व्हाट विल डू, फर्स्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सिद्ध योगा एंड देन आफ्टर दैट व्हाट विल डू, we will understand the purpose of jayakara, the meaning of the jayakara, what purpose does it serve or pay while we call out the jayakara. So we will take some inputs from our guru bhais and guru behans, let's see what they think about, then we will summarize that what is jayakara and why it is so important. Okay, so let's first understand the basic siddhi yoga. सबसे पहले सिद्ध योग की बेसिक जानकारी के बारे में पता करते हैं कि गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग इनिशिएट डिसाइपल्स इनटू द सिद्ध योग, वो सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं। सिद्ध योग जो है, एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, इट इज़ अ इम्पावर्ड योग, इट इज़ अ लिविंग समथिंग विच इज ऑलरेडी लिविंग एंड सर्वाइविंग। सो वट वी डू समटाइम्स, वट वैन वी फॉलो सम हठ योगा और एनी अदर काइंड ऑफ योगा, द मास्टर द टीचर सिट्स आउटसाइड एंड गाइड एज वट टू डू एंड हाउ टू डू इट। So in that way, a disciple just follows the instruction of the guru sitting outside. But in the Siddhi Yoga, what happens? The guru, the physical form of the guru is not required here in Siddhi Yoga. But why? Because it is empowered yoga. The guru, the guru's body is not important in this yoga. Guru's element, guru tattva is the most important. So what guru says in the basic philosophy that you are in me and I am in you. So there is no point any give and take outside between a master and the disciple. There is no give and take because it is on the deeper level of the connection. So what Siddhi Yoga happens? Siddhi Yoga happens with the dormant power which is called the Kundalini. So everything Guru Guru drives in the disciple with the help of the Urja, with the help of the energy which is called the Kundalini. So Guru or Shishya hai सिद्ध योग में, इनमें फिजिकल भौतिक परस्पर में लेन देन कुछ भी नहीं होता है सिद्ध योग में। सिद्ध योग में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जब लोग कहते हैं ना गुरु होना चाहिए बाहर बैठ के बताए,
तो गुरु तब होता है बाहर में जब वो आपको बाहर से कुछ सिखाए, इंस्ट्रक्ट करे, जब आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं है जो आपको इंस्ट्रक्ट कर सके, तो गुरु बाहर बैठ के आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कि आप अपनी ऊर्जा को, अपने अंदर जो आपके एनर्जी है कुंडलिनी, उसको आप सक्षम नहीं हो कंट्रोल करने में, रेडी नहीं हो, तो गुरु बाहर से धीरे धीरे आपको दूसरी तरह के योग करवाता है, आपको प्रिपेयर करवाता है कि आप प्रिपेयर हो जाओ आगे जाने के लिए, आपको जब ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो लेटेस्ट स्टेजेस पे कहते हैं कि 20 साल तक आप योग करो, ये करो, वो करो, उसके बाद जब आप कैपेबल हो जाओगे, अपनी बॉडी को संभल लोगे, अपने आप को समझ जाओगे, अपने आप को माइंड के हिसाब से, प्राण के हिसाब से और बॉडी के हिसाब से, ये माइंड बॉडी एंड प्राणा, इन तीन लेवल पे जब आप अपने आप को जान जाओगे, उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि ऊर्जा क्या होती है, कुंडलिनी क्या होती है, फिर आप आगे बढ़ सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो इन तीनों चीज़ों को। वाई गुरु सिट्स आउटसाइड इन सम ऑफ द योगास, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्रिपेयर द डिसाइपल ऑन द थ्री फिजिकल लेयर्स, थ्री बेसिक लेवल ऑफ फिजिकल लेयर्स, फर्स्ट इज द बॉडी, सेकेंड इज द प्राणा, थर्ड इज द माइंड। सो when the student is very weak on these three levels, what guru does, give him some time, maybe 5 years, 10 years, 20 years, you take 20 years, prepare these three layers, when you are ready, then I will awaken the kundalini or the energy in you, then you can handle your own energy. Right now you cannot handle it because of the time, the time we are born into, the yuga we are born into is not very favorable to the awakening the kundalini, the mother shakti, the pious shakti, the pure shakti. So what guru does, prepare on the outer level, physical level, which is actually the three layers. Basically we see our physical body, we do not see our prana and mind, but we can feel it as our relationship comes across between the prana and the mind is whatever we think. Okay, तो गुरु की बाहर जरूरत क्यों होती है, क्योंकि उसको तीन लेवल पे आपको प्रिपेयर करने हैं, जिसको हम फिजिकल भौतिक लेवल कहते हैं, प्राण, मन और शरीर। और गुरुदेव यहाँ पर क्या करते हैं, बोलो ये सब रेडी है, इट्स ऑल प्रिपेयर्ड, डन, दैट मीन्स वी हैव प्रिपेयर्ड आर सेल्फ बिफोर इन आर अर्लियर लाइव्स। तो हमने अपने पुराने जन्म में अपने शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, प्राण के ऊपर कुछ ना कुछ काम किया हुआ है, हमने किसी ना किसी तरह का कुछ योग साधन, नाम जप, इस तरह से कुछ केमिकल बदलाव जो है वो हमारे तीन भौतिक लेवल पे हो चुके हैं। तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि नाउ आई विल इनिशिएट यू डायरेक्टली इनटू द कुंडलिनी योगा, वेयर द जहाँ पर आपकी ऊर्जा उठेगी और डायरेक्ट आपको योग करवाना शुरू करेगी, बाकी आई एम इनसाइड कंट्रोलिंग द ऊर्जा एनर्जी। सो गुरु क्या कहते हैं कि अब मैं आपको दीक्षा दूंगा, उससे मैं आपके अंदर की कुंडलिनी को जगा दूंगा और मैं आपके अंदर ही बैठा हूँ कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आपकी यात्रा अब क्या है, भौतिक लेवल पे तो वो चलेगी लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे आपको असेंड करना है, तो आपको 20 साल बैठने की जरूरत नहीं है, यू हैव डन ऑलरेडी वट एवर नीडेड टू बी डन। सो सब कुछ कराया कराया है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऊर्जा उठेगी जागेगी, आपको नाम जप करना है, मेरा ध्यान करना है और समर्पित रहना, क्योंकि जो ऊर्जा जो काम कर रही है ना, वो मेरे आदर्श में काम कर रही है, ऐसा गुरु कहते हैं। तो गुरु के कंट्रोल में वो ऊर्जा कार्य करती है। तो व्हाट गुरु सेज, गुरु सियाग सेज, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, एवरीथिंग इज ऑलरेडी बीन डन, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू चैंट द मंत्र, जस्ट मेडिटेट ऑन माय पिक्चर एंड बी सरेंडर्ड एंड हैव अ कंप्लीट सरेंडर इन माय लोटस फीट, दिस इज आई एम सेइंग, गुरु नेवर आस्क यू टू, यू नो, विद दिस रिस्पेक्ट यू कम एंड बो डाउन टू माय फीट, ही सेड जस्ट सेज जस्ट बो इन द from internally with your mind, with your, you know, with your prana and your body all together, you just bow down to the Gurudev that I am surrendered with these three layers, because other layers you cannot understand right now. So what Guru wants, your surrender, whatever your consciousness can be, whatever your consciousness or intelligent with the full knowledge about yourself, that I am surrendering to Gurudev, that means I am giving everything to Gurudev and now he will guide me, because the path, the kundalini path needs very much of your surrender to the pious feet of lotus feet of Gurudev, because it's only him who will control the kundalini, not you. To pura samarpan, complete samarpan hona chahiye hamare man ka, hamare pran ka aur hamare sharir ka bhi. Koi ghatna ghatti hai sharir mein, kundalini ki kriyaen hoti hai, to darna nahi hai, theek hai. Man mein kuch bahut sare vichar aate hain, uthal puthal hoti hai, usse darna nahi. Aur pranon mein, relationships mein kya hai ki chanting honi shuru ho jati hai, किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं रहना है, तो ये परिवर्तन आने शुरू होते हैं, तो घबराना नहीं है कि यार ये लोगों से मैं परे जा रहा हूँ, या मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया, ये सोच रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ, मेरा गिल्ट आ जाता है, मेरे को ये सोच आ रही है, मेरे का कर्म की सोच आ रही है, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, तो बहुत सारा कुछ दिमाग में हलचल होती है, बहुत कुछ आपके
इमोशंस में हलचल होती है, तो आपको सरेंडर रखना है। तो कोई पूछते हैं कि कंप्लीट सरेंडर क्या है, कैसे करें, तो कंप्लीट सरेंडर एक तो है नहीं, सिर्फ बॉडी से आप नमस्कार कर लिए। मंदिर में जाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, घंटी बजाते हैं और हो गया। सो व्हाट वी डू, वी गो इन टू द टेम्पल, वी थिंक व्हाट सरेंडर इज, जस्ट बो डाउन इन फ्रंट ऑफ द आइडल ऑफ द गॉड, यू नो जीसस, देयर इज अ जीसस आइडल, जीसस। सो व्हाट वी डू, वी जस्ट बो डाउन एंड we just put down our head that we respect and we are surrendered, but it doesn't, you know, have much meanings of surrendering your body. Going to the temple or the church doesn't, you know, show your surrender, that you, every Sunday you go to the church and you are very spiritual and you are surrendered to the Jesus or the God. That does not prove it. It might prove to the people around you, but it does not prove it to yourself. So surrender you can do even at your home. If you are really following the guidance, really following the teachings of the Jesus, you are understanding what Jesus teaches us, then you are surrendered and you are following the, you know, teachings of the Bible and how Jesus lived and for what cause Jesus lived. If we, you know, understand that cause and then we are surrendered and we are living with the, you know, kind heart and, you know, forgiveness in our heart, then really we are surrendered to the Jesus. So it's not about bowing down to Jesus, going to the church, but to the people, with the attraction with the people, the behavior with the people, with the kindness and with the forgiveness. That is the basic teaching of Jesus, Holy Jesus. Okay, so in this yoga, this Siddha yoga, what we understood, it is the empowered yoga. It drives itself from within. That power which drives itself, that is called the Kundalini. And Guru awakens the Kundalini and take care of you through the Kundalini. So surrender to Guru is important. He is the driver. Alright. So believe that driver will drive it carefully. So this is Siddha Yoga. This is how, that is how it is different from the other yogas, where you need a teacher's body outside. Okay, now the transformation will go inside, and outside teacher will not do any transformation or changes in you. It's not about your physical body changes, it's about our seven layered body. Yesterday in session we understood our seven avatars. Humne kal ke session mein dekha tha na ki hamare saat avatar hote hain. Jo saat avatar hum duniya mein khojte hain wo hamare andar hi hote hain. Theek hai, to hame jo guru jo change karta hai wo seven layers mein change karta hai, saat ke saat mein change karta hai. ठीक है, तो अंदर से वो चेंज कर सकता है, बाहर से नहीं. बाहर से आप तीन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर सकते हो. बॉडी को आप जिम में एक्सरसाइज करो, योगा करो, सूर्य प्रणाम करो, ये सब करो, तो ये हो जाएगा. इमोशंस के लिए आप मोटिवेशनल स्पीच है, देखो हम तुम्हारे माता पिता हैं, हमारा कहना मानो, ये सब करो, तो वो सब हो सकता है. माइंड को आप ट्रेन कर सकते हो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ. ऑलरेडी तो ये बाहर की चीज़ों को ट्रेन कर सकते हो, लेकिन सूक्ष्म रूप पे चार और लेयर्स हैं. There are four more layers in the deeper. Outside you can just prepare mind, prana and body, but with the motivational speech, with the exercise and everything. But inside there are more work to do, and that is most important, because if you change the the upper layers, which are the, you know, the science layer, the bliss layer, the becoming and the being, vigyan mein kosh, anand mein kosh, chit mein kosh and sat mein kosh, if we work on those things, then lower three, man, prana or body, ये अपने आप चेंज हो जाएंगे. दीज विल ऑटोमेटिकली विल चेंज, लोअर थ्रीज. ओके, सो सिद्ध योग इज द एम्पावर्ड योगा. दिस इज व्हाट हैपन्स इनटू द सिद्ध योगा. द बेसिक चेंजेस स्टार्ट्स फ्रॉम द थर्ड लेयर, माइंड. ठीक है, माइंड इज वेरी, ये सूक्ष्म है. माइंड क्या है, सूक्ष्म है, सबटल है. तो क्या होता है कि वो द ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. व्हाई इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंड, बिकॉज माइंड can be into the upper four grounds and the lower two grounds. So the mind is the bus and Gurudev is on the driving, and the petrol is the, call it urja or the power which drives everything. So the change, the transformation first happens into the mind layer. Mind pehle mental problems sari solve hoti hai, uske sath niche pran aur body mein ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ऊपर भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है. तो दिस इज हाउ सिद्ध योगा वर्क. दिस इज द बेसिक फिलॉसफी. ये बेसिक है जो हम सब जानते ही हैं. ठीक है, ओके. नाउ आवर बेसिक टॉपिक टुडे इज अबाउट
व्हाई वी कॉल आउट द जयकारा व्हेन वी स्टार्ट सेशन, जब हम सेशन स्टार्ट करते हैं, सत्संग स्टार्ट करते हैं. सत्संग मीन्स इन इंग्लिश वर्ड सत्संग मीन्स सत्य मीन्स ट्रुथ, संग मीन द कंपनी ऑफ द ट्रुथ. सो एवरी डे 7 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम व्हाट वी डू वी कम इनटू द इन द कंपनी ऑफ द ट्रुथ. दैट डजंट मीन मी, दैट डज नॉट मीन द पीपल अराउंड, दैट द पीपल वी आर इन द कंपनी इज द सत्संग. नो, सत्य इज अ इज अ रियल आत्मन. सत्य इज द रियल पुरुषा, द कृष्णा. सो वट वी डू सत्संग मीन्स वी कम इन टू द वी ट्राई टू कम इन टू द कॉन्टैक्ट विद द सत्य, द ट्रुथ, द कृष्णा, द कॉन्शियसनेस, द सुपर कॉन्शियसनेस, ओके, द सोर्स, द पिता, द फादर. सो फादर इज द ट्रुथ. सो वी ट्राई टू लर्न अबाउट फादर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू असेंड टूवर्ड्स फादर. दैट मीन्स वी आर डूइंग सत्संग, कंपनी ऑफ द फादर. यू कैन, आई एम जस्ट, यू नो, trying to elaborate as much as possible in the simple language, and I know only simple language, that's my barrier also. Okay, now we will understand when we start satsang, why do we call out jayakara. Before meditation we call out jayakara. Jayakara means jai shri gurudev, na, jai shri dada gurudev. Why we call this jayakara? Okay, it's like hailing, it's like raising victory, na? But I will not explain. First I will take some inputs from the very intelligent people around here. They are very intelligent and they are associated with the satsang for a very long time, so now they all are have very good knowledge about, because they are doing it daily. Jaikara daily laga rahe hai na aap sab, to aap mujhe batao ki aap jo kar rahe ho daily wo bas aise hi kar rahe ho, हरी बोल. या आपको पता है कि हम जयकारा क्यों लगाते हैं? ठीक है, तो आप, मैं पहले YouTube पे देख लेता हूँ. YouTube पे किसी ने कुछ लिखा है? हाँ, YouTube पे बहुत कुछ लिखा है. जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जय श्री गुरुदेव, आपको बताना है मुझे. और आप सब कोशिश करो, जिनके पास भी, जो काम नहीं कर रहे, जो खाना नहीं पका रहे, जो कुछ नहीं कर रहे, जो फ्री हैं, जिनके पास फ़ोन है इस समय, वो लिखो कि आप जयकारा क्यों लगाते हो. दो लाइन में लिखो. लिखना इसलिए ज़रूरी है कि वाई पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. व्हेन यू पार्टिसिपेट इट गोज़ इनटू योर ब्लड स्ट्रीम. व्हेन यू स्पीक समथिंग इट कम्स फ्रॉम द ब्लड, बिकॉज व्हेन वी स्पीक इट नीड्स पावर. फ्रॉम वेयर द पावर कम्स? एड्रेनालाइन, बोलते ना, किडनी में जो होता है वो एक ग्लैंड होता है, इट 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 यू नो रेगुलेट योर किडनी, इट रेगुलेट योर ब्लड स्ट्रीम, इट रेगुलेट योर हार्ट, एवरीथिंग. थोड़ा हिंट है. हाँ, चलो. अच्छा, तो कौन बोलेगा पहले? हु विल स्पीक आउट फर्स्ट दैट व्हाई वी कॉल आउट जयकारा? जयकारा का मतलब क्या है? क्यों हम मेडिटेशन से पहले भी जयकारा लगाते हैं, बाद में भी लगाते हैं, सत्संग में भी लगाते हैं, रास्ते में भी लगाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, वी गो टू द वैष्णो देवी और वी गो समवेयर टू द श्राइन और द टेम्पल इन इंडिया. इफ द लॉर्ड इज श्री राम देन वी कॉल इट जय श्री राम. इफ वी आर गोइंग टू द गॉडेस माँ वैष्णो, जय माँ वैष्णो देवी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, वी कॉल टू द काली टेम्पल, वी कॉल, पर वी कॉल जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए काली. दिस इज ऑल मेड अप थिंग्स. काली इज़ वेरी स्वीट गॉडेस एंड शी लव्स हर चिल्ड्रन वेरी मच, वेरी 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 मच. सो शी इज़ द मोस्ट एडोरेबल ब्यूटी इन द फॉर्म ऑफ द गॉडेस काली. हर कलर इज सो ब्यूटीफुल, शी इज सो ब्यूटीफुल, शी इज़ सो ब्यूटीफुल. व्हाट कैन आई से? Oh ma, we all love you. She's so kind-hearted. She's so lovely. She's fearless. She's fearless for me, for all of us. वो fearless है. वो काली जो है ना, वो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है.
बहुत चिंता करती है अपने बच्चों की, कहीं कोई आंच ना आ जाए बच्चों की। बच्चों की रक्षक है वो, शी इज़ द फाइटर, वो लड़ाकी है और वो बच्चों के लिए लड़ती है, सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है। कोई आंच भी नहीं आती काली के बच्चे को, जो काली का बच्चा है वो हमेशा सेफ है। कालों की काल महाकाली, महाकाल भी उसके पैरों में है तो कौन उसको छेड़ेगा। तो द स्वीटेस्ट, सबसे प्यारी अगर कोई है तो वह है सुंदर काली। बहुत सुंदर है काली, बहुत सुंदर है माँ, और वो सारे राक्षसों को मार देती है और अपने बच्चों को हमेशा प्रोटेक्ट करती है। मुझे तो, मैं जब बोलने लगूँगा उसके बारे में तो मुझे बहुत आनंद आता है इसकी बात करते समय। एनीवेज, बट दिस लव, यू नो, ये प्यार जो आया काली के प्रति, और बड़ी अजीब बात है, मैं आपको अभी, इससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। मैं पंजाब में पैदा हुआ, आई वॉज बॉर्न इन पंजाब, दिस इज़ नॉर्थ इंडिया, एंड काली वहाँ पे, वी डू नॉट वर्शिप काली, गॉड इज काली, वी डू नॉट वर्शिप ओवर देयर, बट बिकॉज ऑफ द जॉब, जॉब के कारण मुझे आना पड़ा कलकत्ता, एंड मैं कलकत्ता आना नहीं चाहता था। कलकत्ता एक ऐसी जगह थी, मैं कहीं भी चला जाऊँ दुनिया में, बस कलकत्ता मुझे नहीं जाना है। पता नहीं क्यों मेरे माइंड में था कि मुझे कलकत्ता ही नहीं जाना है। आई वॉज, इट वॉज सेट इन टू माई माइंड वेन आई वॉज यू नो वेरी यंग, दैट वेयर एवर आई गो इन द वर्ल्ड बट आई विल नॉट गो टू द कलकत्ता। सच अ इम्प्रेशन ऑफ कलकत्ता ऑन मी बिकॉज ऑफ द पीपल एक्चुअली, सो आई नेवर वॉन्टेड टू कम टू कलकत्ता, बट आफ्टर जॉब सम हाउ द सर्कमस्टांसिस केम अप लाइक दैट एंड आई हैड टू कम टू द कलकत्ता। एंड आफ्टर सिक्स मंथ, 6 महीने के बाद जब मैं कलकत्ता आया, आई बुक्ड माई टिकट एंड आई थॉट आई विल नॉट लिव हेयर। दिस इज द ट्रू स्टोरी आई एम टेलिंग यू। आई हैव लॉट ऑफ स्टोरी इन माई लाइफ, माई लाइफ इज फुल ऑफ स्टोरीज एंड दोज ऑल आर फैंटेस्टिक स्टोरीज। ऐसी ऐसी मेरे जीवन की घटनाएँ हैं जो बड़ी उत्तेजित करती हैं, मुझे खुद को बड़ी उत्तेजित करते हैं। तो जब मैं कलकत्ता आया, तो कलकत्ता आने के बाद ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कलकत्ता। मैंने कहा क्या बकवास है ये, मैं 20-30 साल पीछे आ गया हूँ मुझे ऐसा लगता था। तो मैंने डिसाइड किया मैं वापस जाऊँगा और दिल्ली में कोई जाऊँगा, जॉब करूँगा, नोएडा जाऊँगा। तो मेरे दोस्तों ने मेरी जॉब का अरेंजमेंट कर दिया, सब कर दिया, तो मुझे वापस बुलाया कि तू आ जा। तो फ्रेंड्स दोज हु वर लिविंग इन टू द दिल्ली नोएडा, दे अरेंज माई जॉब, दे सेड वी हैव अरेंज योर जॉब, बेटर जॉब, कम हेयर एंड लीव कलकत्ता, एंड वी बुकड एवरीथिंग, वी बुकड एवरीथिंग, टिकट्स एंड ऑल। सो आई डिसाइडेड आई विल गो, बट एट दैट टाइम, उस समय क्या हो रहा था कि यहाँ पर इन द कलकत्ता बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसे दुर्गा फेस्टिवल बोलते हैं, जिसे दुर्गा फेस्टिवल बोलते हैं। तो इट इज़ अ 9 days फेस्टिवल। तो मैंने सोचा कि ये 9 days का जो फेस्टिवल है इसको देख के जाते हैं, कलकत्ता में बड़ा मशहूर है तो इसको देख के जाएंगे। तो आई स्टेड देयर फॉर द 9 days टू विटनेस द ग्रैंड फंक्शन, द ग्रैंड इवेंट ओकेजन, द फेस्टिवल ऑफ दुर्गा पूजा। आई स्टेड हियर, आई स्लेप्ट, द डे वॉज, इट वॉज 3rd day ऑफ द नवरात्रि एंड द नाइट, एंड वेन आई केम बैक फ्रॉम द जॉब टू होम, आई सॉ नथिंग मच आउटसाइड द टेम्पल्स, एंड दे बिल्ड द टेम्पल फॉर सम टाइम, द टेम्पल विद द पेंट कलर, द क्लोदिंग एंड द पेंटिंग, मतलब टेम्पररी दे बिल्ड टेम्पल्स फॉर द माँ दुर्गा, पंडाल, वी कॉल इट पंडाल, पंडाल कहते हैं हम उनको। तो नेक्स्ट 2 days मैं क्या देखता हूँ कि कलकत्ता ट्रांसफॉर्म हो गया पूरा, तीसरे, चौथे, पांचवे दिन पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया कलकत्ता, इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 2 days। एवरीवेयर आई एम सीइंग द ग्रेट टेम्पल्स, द ग्रेट क्रिएटिव टेम्पल्स, फ्रॉम वेयर दे केम, आई डिड नॉट बिलीव इट दैट दे ट्रांसफॉर्म्ड द कलकत्ता इन 2 days विद द ग्रेट टेम्पल्स, ब्यूटिफुल टेम्पल्स। एंड मुझे पता ही नहीं चला कि वो टेंपल बने हैं, सच में हैं, कहाँ से आए। जब मैं पास में गया तब मुझे पता चला ये तो टेंट वगैरह पेंटिंग करके लगाए, इतने खूबसूरत। और सारे जो पंडाल थे वहाँ पर माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, गणेश, कार्तिकेय, और माँ इज इन अग्रेसिव मोड टू किल द महिषासुर, द डेमन इन साइड। आई सॉ दैट सच अ ब्यूटी, एंड ड्यूरिंग दैट दुर्गा पूजा आई मेट लव ऑफ माई लाइफ ऑल्सो, माई वाइफ। सो दोज 9 days चेंज्ड माई लाइफ एंटायरली, एंड इट वॉज लाइक अ ग्लू इन कलकत्ता, द माँ काली, द दुर्गा, द शक्ति हु
यू नो कॉट मी और शी बाउंडेड मी विद कैलकटा एंड आई कुड नॉट गो आफ्टर दोज 9 डेज आई कुडंट गो बैक. पीपल आस्क मी, अभी भी लोग कहते हैं कलकत्ता में क्या है, और उर्मिला जी पूछती हैं कलकत्ता में क्या है, इधर आ जा. तो कलकत्ता में मैं कलकत्ता में आया अपनी मर्जी से नहीं आया, और मुझे रोकने वाला भी मैं खुद नहीं हूँ, मुझे रोकने वाली भी शक्ति है यहाँ पर. ठीक है, तो शक्ति मेरी वाइफ के रूप में भी है, मेरे जीवन की शक्ति है वो, और वैसे भी वो कलकत्ता में एक माँ की एक शक्ति है, इस धरती में वो शक्ति है. द ट्रांसफॉर्मेशन आई एम गोइंग थ्रू इज बिकॉज ऑफ दिस लैंड, इट हेल्प्स मी, क्योंकि यहाँ पे शक्ति है. कलकत्ता में माँ की शक्ति है, पूरे इस कण कण में, इस पूरे हवा में, कलकत्ता की हवा में माँ की शक्ति है. और ये है यहाँ पर, इसकी जो मिट्टी है ना कलकत्ता की, इस मिट्टी में ही जागृति है, ये मिट्टी ही जागृत है. ये शूरवीरों को पैदा करती है, ये फ्रीडम फाइटर्स को पैदा करती है, ये स्पिरिचुअल मास्टर्स, डिसाइपल्स, ग्रेट स्पिरिचुअलिटी सीड्स आर हियर. यहाँ बहुत कुछ है, यहाँ पर माँ स्वयं जल के रूप में है, माँ गंगा, यहाँ पर माँ काली, यहाँ पे माँ के सारे रूप हैं. एवरी मतलब औरत के कितने रूप हो सकते हैं, वो सारे इस धरती पे, इस कलकत्ता में है. अगर माँ कहीं बसती है ना, तो वो इस पवित्र धरती पे बसती है, जिसे हम कलकत्ता कहते हैं. एक्चुअल में इसका नाम है काली, कलकत्ता, काली, काली के नाम से. तो कोलकाता ये नाम बर्बाद कर दिया एक्चुअली. ये नाम को ना, किसी चीज़ की महत्व को जब हम ख़त्म करते हैं, तो उसके नाम को ख़त्म कर दो. ठीक है, आपका कोई स्वीट नाम रखा आपके घर वालों ने, विजय, मंथ विजय मीन्स विन, बट दोस्तों ने उसको कर दिया बिज्जू. बिज्जू, व्हाट इज बिज्जू? इवन हमारे घर वाले प्यार में उसे खराब करते थे, बिज्जू, कॉल इट विद द लव, बिज्जू. सो फ्रेंड्स कॉलिंग ए विज, व्हाट डज दैट मीन? नथिंग, डिस्ट्रॉय द मीनिंग ऑफ द नेम, द पर्पस ऑफ द लाइफ. व्हेन वी आर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट, वी आर बॉर्न विद द नेम. दिस इज द मैसेज ऑफ द गॉड, दैट यू आर बॉर्न अंडर दिस नेम, दिस नक्षत्र, एंड दिस विल बी योर नेम, एंड दिस इज योर पर्पस ऑफ योर लाइफ. बट वी डिस्ट्रॉयड द पर्पस व्हेन दिस मुगल्स इन्वेडेड इंडिया, दिस इंग्लिश केम हेयर, दे डिस्ट्रॉयड द नेम ऑफ आर फिलोसफी. क्यों हम नामकरण करते हैं? नामकरण की फिलॉसफी को डिस्ट्रॉय कर दिया. अभी नाम ऐसे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है. पहले कैसे होते थे नाम? पहले नाम जो होते थे वो पर्पसफुल होते थे. राम, राम का मतलब क्या है मालूम है आप? क्यों इतना सुख देता है पता है? कृष्ण और राधा का जो मिलन है ना, ये आनंदमय मिलन है. आनंदमय कोश जानते हैं ना, आनंदमय कोश क्यों है? क्योंकि उसमें राधा और कृष्ण का योग है, इसीलिए वो आनंदमय है. इसीलिए कृष्ण आनंद से शुरू होते, योग से शुरू होते. राम का मतलब है राधा में रमण करने वाला, राधा में रमण करने वाला राम. तो कृष्ण हु इज बीन submerged into the Radha, the Mohan, the Madhav, Ma Madhav, Ra Ma, Ma Madhav, Madhav जो Ra में समाया हो, रमण उसमें, into the Radha, Ram, ये the name, the Ram is Anand, Krishna himself is the Ram, आनंदमय है. इसीलिए राम जपो, राम, you will fall into the love with the Ram. Why? Because it is already been yoga of Radha and Krishna. So the meaning of the Rama is the yog hona, anand mein jana. Isiliye wo sare dukh har jate hai, kyunki Ram is above on happiness and sadness. It is above Ram. Anandmayi hai Ram bhi, kyunki wo swayam Madhav Radha mein raman kar raha hai. Rather Radha Raman. Radha Raman ko aap short kar do to Ram ho jayega. Radha mein raman kar raha hai. So Krishna, Krishna is means the attraction which attracts you, the pull, the power.
नेम जो गॉड जो नेम लेके आते हैं ना अपने, वो हम हर किसी के साथ लगाते थे, राजू राम, किसी का नाम है विजय राम, तो वही हमारी जो ट्रेडिशन था ना हिंदुस्तान में, वो भगवान का नाम एसोसिएट कर देते थे, राजू कृष्णा, तो भगवान का नाम एसोसिएट कर देते थे उनके साथ, कोई भी नाम रखने के साथ भगवान का नाम जरूर रख देते, जगदीश, जगदीश, प्रदीप, मनोदीप, ये सारे नाम जो थे बड़े मीनिंगफुल होते थे। तो व्हेन वी आर बॉर्न वी गिव द सर्टेन नेम एंड द पर्पस ऑफ द लाइफ टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द नेम। आज नहीं पता लोगों को, नहीं पता, चेंज हो जाता। सो व्हाट हैपन्स व्हेन अ डिसाइपल कम्स अंडर द गाइडेंस ऑफ द गुरु, ही चेंजेस हिज नेम, ही गिव्स हिम द पर्पस, बिकॉज ही नोज द नेम यू आर हैविंग इज डज नॉट सर्व द पर्पस। सो गुरु आस्क हिम टू गिव हिमसेल्फ अ नेम, फर्स्ट यू थिंक व्हाट योर नेम शुड बी, बिकॉज एट दैट टाइम इतने समय में वो डिसाइड कर लेता है कि मेरे जीवन में मुझे क्या करना है, तो वो अपना नाम खुद सोच सकता है, नहीं तो गुरु उसको नाम देता है, गुरु की गिव हिम द न्यू नेम दैट ऑन द पाथ ऑफ द स्पिरिचुअलिटी वी विल कॉल यू विद दिस नेम, जस्ट टू रेज द एनर्जी एंड द टेल यू द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो बहुत सारी चीज़ें होती है इस चीज़ में। ऑलराइट, सो मैं क्या कह रहा था कि कलकत्ते में जो मैं आया, तो मैं आ गया, तो ये आ गया, तो आ गया, तो माँ द फीमेल द पार द गॉडेस द राधा, उसका शुरू से ही मेरे पे बड़ी कृपा है। इसीलिए जब मैं कलकत्ता में हूँ ना, तो मैं अपनी जो मेरी साधना में जो प्रगति है ना, मैं फील करता हूँ कि अगर मैं पंजाब में होता तो शायद इतना नहीं होता, ठीक है, वो भी बहुत पायस, वो गुरुओं की धरती है, कुर्बानी है, द रियल देशभक्त या फिर मातृभक्त वहाँ पर है, भक्त है, तो ये सारी भारत की भूमि बहुत पवित्र है, पर बिकॉज आई लिव इन कलकत्ता, आई बॉर्न इन पंजाब, पंजाब में पैदा हुआ, तो मैं उस धरती को जानता हूँ कि वो धरती बहादुरों की धरती है, और कलकत्ता संरचनात्मक है, रचनात्मक है, ठीक है। चलिए, तो मैं यहीं पे रखता हूँ, पता नहीं हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। आई व्हेन वी स्टार्ट दिस सत्संग द फ्लो गोज ऑन ऑटोमेटिकली, बट वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वी डिस्कस। सो दिस सत्संग इज द ड्राइविंग फोर्स इज द सत्संग इज श्री गुरुदेव, ही टेल अस, ही इज द नॉलेज प्रोवाइडर, ही इज द नॉलेज, ही इज द लैम्प, ही इज द लाइट, सो वट एवर वी लर्न विद द ग्रेस ऑफ द गुरु। नाउ चलो अब आप बताओ, नाउ वी विल टेक यू नो द इनपुट्स दैट वाई वी कॉल जयकारा फ्रॉम आवर गुरु भाई ब्रदर्स एंड सिस्टर, देन वी विल फाइंड आउट द कंक्लूजन, रियल कंक्लूजन। सो पहले कहाँ पर पता करें, पहले इधर देख लेते हैं, कुछ मैसेजेस हैं, पहले मैं YouTube पे देख लेता हूँ, फिर इजी होगा आपके साथ बात करना, है ना। अच्छा, ऑन YouTube देवेंद्र सिंह कह रहे हैं, जयकारा आवाहन है भक्त की ओर से अपने ईष्ट को, ऊर्जा का वेग बनाना भी और समर्पण की उद्घोषणा भी। ही सेज जयकारा इज कॉलिंग आउट द गॉड बाय द डिवोटी, ही इज कॉलिंग द डिवोटी एंड इट ऑल्सो रेजेज द पावर और द एनर्जी टू गिव इट द डायरेक्शन, मीन्स द पावर ऑफ द एनर्जी, रेजिंग द एनर्जी एंड इट इज ऑल्सो मीनिंग द सरेंडर, दैट आई एम सरेंडरिंग टू यू, गिव द पावर टू असेंड टूवर्ड्स द माई गोल, दिस इज हाउ वट ही वॉन्ट्स टू से। तो असेंडिंग टूवर्ड्स द गोल वी नीड द पावर, दैट पावर जनरेटर इज द गॉड, सो वी कॉल आउट द जयकारा टू द गॉड दैट प्लीज जनरेट द एनर्जी, सो दैट माई कॉलिंग, इवन कॉलिंग द गॉड बाय द डिसाइपल जनरेट्स द एनर्जी फॉर हिम टू असेंड टूवर्ड्स हिज गोल, इट इज अ एनर्जी जनरेटर, दैट्स वॉट ही वॉन्ट्स टू से, वेरी नाइस। जयराम बाप्ता कह रहे हैं, जयकारा से भी आत्मा का परमात्मा से ध्यान लगाते हैं, ही सेज विद द कॉलिंग आउट द जयकारा मीन्स वी आर ही वॉन्ट्स टू से एग्जैक्ट नॉट एग्जैक्टली एज ही इज जस्ट कनेक्टिंग द आत्मा विद द परमात्मा, मीन्स दिस इज देयर इज अ ड्रॉप ऑफ द वॉटर एंड देयर इज अ ओशन, सो वट ही सेज वी जस्ट
want to associate the drop of the water which is the which came from the ocean, and we want to unite them. This is why we calling out the jaikara, to unite, to ascend. Dhyan means towards, ascending towards, or looking towards, or aiming towards, almost like that. Okay, baki Bhupesh Soni says nice expression, Siddhyoga. Nice expression. Okay, thank you. But what we need, Jaikara, आप कितने लोग? 15 लोग हुआ आप, ठीक है? और 15 people, only 2 people replied. What I consider, पहले तो ज़्यादा थे, अभी 17 हो गए, बीच में 22 थे, उस समय 25 थे शायद. तो the number keeps on changing, I don't know the network or the interest you loses. Okay, तो only 2 people know on the YouTube. Rest, आप नहीं जानते जयकारा क्यों होता है? चलो कोई बात नहीं. अच्छा अब आते हैं अपना सुजल, एक मिनट. शांति भूषण भाई एक मिनट, मैं पूछूंगा आपसे, अभी नहीं, पहले मैं देख लेता हूँ जो लिखा हुआ है. अब ये लिखा हुआ इतना कुछ है. ओके, आई विल रीड आउट द मैसेजेस फर्स्ट. वीरू सिंह सेज जय गुरुदेव. पता नहीं पर प्राणों में ऊर्जा का संचार होने लगता है. वीरू सिंह सेज आई डू नॉट नो बट आई फील माई प्राणा इज बीन एलिवेटिंग. The elevation in the prana, I feel the power in my prana, I feel it with the jayakara. Rest doesn't know what happens. Shanti Bhushan, Sujal Gautam says, jayakara lagane se sabse pehle hum apne prabhu ka aavahan karte hain ki hamara dhyan lagaye. He says, we call out the jayakara to pray to the Lord that, hey Lord, please make me sit for the meditation. करण शर्मा कह रहे हैं, पहला नंबर कह रहे हैं सर्व से बेसिक सैल्यूटेशन, मतलब पहले तो भगवान को बेसिक रूप से एक प्रणाम है जयकारा. दूसरा कह रहे हैं कि इन्फ्यूजेस मोटिवेशन, ये हमारे अंदर एक ऊर्जा संचार करते हैं, मतलब मेक अस रेडी फॉर द पर्पस, हमें अपने काम के लिए तैयार करता है, मोटिवेशन देता है. थर्ड ही सेज रिमाइंड्स वन द सामर्थ्य of our guru, the capabilities of the guru, that it also tell us, or we recall by calling the jayakara, we recall the capabilities of our guru. Hum apne guru ki samarthya ko jante hain jab jayakara lagate hain. Hence once goes toward the surrendering himself, taki wo hum apne guru ki taraf uski mahanta ko jankar uski taraf badhne mein thoda positive mind rahe ja sake. Chautha ye keh rahe hain ki out of pure devotion one chants the name of guru ईस्ट लाउडली. और फिर ये कह रहे हैं कि डिवोशन के लिए, श्रद्धा विश्वास के लिए जो है, हम अपने गुरु का नाम को शाउट करते हैं, जोर से बोलते हैं कि जय श्री राम, क्योंकि हम श्रद्धा रखते हैं उनमें, उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए. तो 4 points ही सेड. ओके, सुजल शांति गौतम भाई फिर से कह रहे हैं ध्यान करने के पहले हमारी पुकार गुरुदेव या दादा गुरुदेव तक जाए और वो हमें शक्ति दे, हमें एकाग्र करे, भटकते मन को शांत करे, अपनी शक्ति से हमें कंट्रोल करे, इसलिए हम जयकारा लगाते हैं. ही सेज सो दैट गुरुदेव, दादा गुरुदेव हेल्प अस टू कॉन्सेंट्रेट एंड ही गिव्स अस द पावर टू बी काम कूल एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन आर पर्पस सो आर माइंड डज नॉट वेंडर अराउंड. And he, they also give us the power so that the work we are going to do, the sit for the meditation, we receive the power or the urja, Gurudev Dada Gurudev se urja mile, aisa kuch keh rahe hain. Theek hai, to yahan par bhi 3-4 log hain, to yahi, aur kisi ko kuch kehna hai? और बस इतने ही, जयकारा का मतलब इतने लोगों को पता. बस चाय पीने के लिए कुछ तो आपको बात करनी पड़ेगी. चाय ठंडी हो जाएगी ना.
आई ऑल्सो नीड सम टाइम टू ड्रिंक टी। बिस्किट नहीं खाऊं मतलब। चाय नहीं पी, चाय मत पियो। अच्छा ठीक है, आपने नहीं बात करनी है तो मत करो फिर। तो जयराम बापता ही सेज अगेन मनोबल और हाँ चलो और कुछ लिखो और। अरे लिखा तो था, डिलीट क्यों गया? ट्वेंटी वन पीपल नाउ। हम जयकारा क्यों लगाते हैं? अभी अभी रिसेंटली हमारे जयकारा में एक जयकारा ऐड हुआ गोरखनाथ जी का, क्या जरूरत थी? वी कॉल आउट जयकारा रिसेंटली, वी एडेड अ न्यू जयकारा गोरखनाथ जी जयकारा, व्हाट वाज द नीड? वी ऑलरेडी हैड सो मैनी जयकारा। फर्स्ट वी कॉल गुरुदेव रामलाल जी सिया की जय हो, वी कॉल आउट द जयकारा ऑफ गुरुदेव, देन दादा गुरुदेव जयकारा, देन वी कॉल आउट द जयकारा ऑफ समाधि प्लाना, देन जामसर, देन नवनाथ काजलवास जयकारा, देन न्यू एडिशन जयकारा इज गोरखधाम गोरखनाथ जी जयकारा रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड। एंड ऑल्सो रिसेंटली बिफोर गोरखनाथ जी द जयकारा ऑफ द माँ, प्यारी माँ श्री गुरु माँ, हर जयकारा ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। एंड द पिक्चर ऑल्सो केम इन द फ्रेम सत्संग। दीज पिक्चर्स यू सी बिहाइंड हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ग्रेट 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 इंपॉर्टेंस। Not just I put up the pictures of Gurudev, this flag, the feet and Gurudev, Guruma. It's not my selection or they serve a great purpose in satsang. Without these things, we cannot do satsang. We can talk about Siddha Yog. We can, हम लोग Siddha Yog की बात कर सकते हैं, हम लोग Siddha Yog में अनुभूतियों की बात कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान की बात बिना flag के नहीं हो सकती। अगर हम सिद्ध योग में ज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, अध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं, तो फ्लैग के बिना नहीं हो सकती। द पावर, द ऑथेंटिसिटी, दिस फ्लैग, ये फ्लैग नहीं है, इट्स नॉट अ फ्लैग, दिस इज द पावर जनरेटर। द पिक्चर इट्सेल्फ व्हेन दे आर इनटू द फ्रेम दैट मीन्स दे सर्व द इंपॉर्टेंट पर्पस। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान को जानने की बात करते हैं, और उस पर क्या लिखा है, अध्यात्म विज्ञान। अध्यात्म मीन्स आत्मा का अध्ययन, अध्यात्म विज्ञान, सत्संग, व्हाट वी डू सत्संग। तो द ट्रूथ, द सनातन धर्म, दिस फ्लैग इज सनातन धर्म। जब मैं लैंप दिखाता हूँ ना शाम को, तो मैं सनातन धर्म का भी, हम सनातन धर्म का भी जयकारा लगाते हैं, राइट? हम लोग सनातन धर्म का जयकारा, वी कॉल आउट द जयकारा फॉर द सनातन धर्म। दिस फ्लैग रिप्रेजेंट द सनातन धर्म। व्हाई? बिकॉज विज्ञान और सत्य और संग, द सनातन धर्म इट्सेल्फ इज अ साइंस, दिस बॉडी इज कंप्लीट साइंस। सनातन धर्म इज द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बींग, द साइंस एसोशिएट विद द बॉडी इज सेवन लेयर, नॉट विद द फिजिकल बॉडी but the seven layers of the body up to the satmay kosh, the all seven layers is the adhyatam vigyan, satsang. How do we understand with the truth? So this flag is very important. So jaykara kya hota hai, sanatan dharma ka jaykara lagta hai, to flag ka bhi jaykara lagta hai, aapko pata hai is baat ka? हम लोग सनातन धर्म का जयकारा लगता है, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सनातन धर्म का? आप गुरुदेव को जानते हैं, दादा गुरुदेव को जानते हो, माँ को जानते हो, समाधि प्लाना, जामसर, काजलवास, गोरखनाथ, लेकिन सनातन धर्म की रिप्रेजेंटेशन जानते हैं? फ्लैग।
जब भी मैं दिया दिखाता हूँ तो मैं फ्लैग को जब दिया दिखाता हूँ तो बोलता हूँ सनातन धर्म की जय, हमेशा फ्लैग को दिखाता हूँ। और ये मेरे 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 को दिमाग में नहीं आया कि ये है, ये ऑटोमेटिकली हैपन्स, अपने आप होता ही है। फिर डिटेल में जब सोचा देखा तो समझ में आया कि सनातन धर्म क्या है, एक आगाज़ है। सनातन धर्म इज़ अ स्टार्ट और द आगाज़ बोलते हुए स्टार्ट द इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके अच्छा चलो, तो हमने पूछा था कि जयकारा का मतलब क्या है, मतलब तो बहुत डिटेल्ड है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं बीच में इंट्रोडक्शन तो कर ही रहा हूँ। आपने जो भी कहा सही कहा, अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, लेकिन आपने लेयर्स को टच नहीं किया। आप भौतिक रूप से देख रहे हो, आप सिर्फ देखो, एक मिनट पहले तो मैं पढ़ लेता हूँ। जयराम बापता से इज अगेन, वो कह रहे हैं आत्मविश्वास बढ़ता है, पावर ऑफ एनर्जी। ही सेज द पावर ऑफ द आत्म मीन्स द सोर्स द ट्रूथ एंड वी आर आत्मन, सो द पावर द रियलाइजेशन ऑफ द आत्मन रेजेस, वेरी गुड, आत्मविश्वास बढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। सुषमा कुमारी सेज, वो कह रही हैं जय श्री गुरुदेव भाई, जय का मीनिंग है उनको याद करना जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, रिमाइंडर कॉल। शी सेज द जय मीन्स रिमाइंडिंग समबडी अबाउट हुम वी आर गोइंग टू टॉक और वी आर वट एवर वी आर गोइंग टू डू और वी आर अप्रोचिंग, वी जस्ट रिकॉल देम, रिमेंबरिंग देम। जयकारा मीन्स द रिमेंबरिंग समबडी विद रिस्पेक्ट हुम वी आर डूइंग समथिंग। अच्छा ओके, मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, एक तो ये बेसिक है, दूसरा जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, जो विदेश में रहते हैं, जो कभी ये सेशन देखेंगे, उनको पता होना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग। दे वेस्ट थ्री मिनट इन द स्टार्ट, 3 मिनट इन द एंड, 3 मिनट विद अगेन, 9 मिनट्स दे डिस्ट्रॉय, दे वेस्ट 9 मिनट्स आर अप्रोक्सीमेटली इन जयकारा। वट इज दिस, वट डज इट मीन? तो ये 9 मिनट आपके जीवन में क्या बदलाव करते हैं, ये आपको भी पता होना चाहिए। ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो करने से कुछ, आज राम क्या है, आज हमने राम के बारे में जाना ना, राम क्या है, वी अंडरस्टूड वट इज राम, वट इज द मीनिंग ऑफ द राम, वी अंडरस्टूड इट इन इंग्लिश, आई डिडंट एक्सप्लेन ना, राम मीन्स राधा, रा मीन्स राधा, म मीन्स माधव, द कृष्ण, द माधव इज इन टू द राधा, इज यू नो वट शुड आई से, हम तो कह देते कि उसमें सम हो रहा है, इज गोइंग इन टू, दे आर जस्ट सबमर्जिंग विद ईच अदर, द माधवा द सबमर्जिंग इन टू द राधा, देर आर टू एलिमेंट्स, द वन एलिमेंट ऑफ द पुरुष तत्व इज सबमर्जिंग द योगा, द यूनाइटिंग विद द शक्ति, द पार that comes around Ram, Ma Radha and Madhava, they are uniting, this is the yoga, the meaning of the Rama means yoga, the unity, the bliss, that is why when we chant the Ram Ram, it gives us the bliss. Yesterday what were we talking about, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. This mantra is the ISKCON temple mantra. You know the power of the mantra is same. What I understood is Hare Rama is the unity. Hare is Radha. Rama is the Purush Tattva here. So Hare Rama is the unity. But when they are away from each other, then Radha calls Rama Rama. And Ram calls out Hare Hare, Hare Hare, she calls Rama Rama, and they unite Hare Rama, then Krishna, Hare Krishna, unity, Radha and Krishna, unity, and when Radha calls the Krishna, Krishna Krishna, Krishna calls Hare Hare, so it is coming
संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, दिस इज लव, दिस जनरेट्स द लव। सो मंत्र हैज द मीनिंग, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, दिस यूनाइट्स, दिस जनरेट द पावर ऑफ द ब्लिस, आनंद। सो दे जस्ट बीइंग द हरे रामा रामा रामा, सो दे आर इन टू द लव ऑफ राधा एंड कृष्णा, इंड्यूसिंग लव इन टू दैम, एंड लव वेन दे आर इन टू द लव, दिस एलिमेंट्स ट्रांसफॉर्म दैम। तो वो गुरुदेव कहते हैं ना, मंदिर मार्गी लोग हैं, जाते हैं जपते हैं नाम, तो ये सब होता है। तो ये सारे नाम, ये मंत्र, दे हैव मीनिंग, जयकारा हैव अ मीनिंग, ठीक है। दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जाने कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं तो हम क्यों समय नष्ट करते हैं। गुरुदेव क्यों हमें मंत्र का मंत्र बताते हैं कि क लाओ में मिला हुआ बड़ी की मात्रा पर बिंदी, ग जपो तो यहाँ लगेगा। अब हमारे मंत्र में क्लिंग आता है, वट इज़ द मीनिंग ऑफ द क्लिंग। अब आप बोलोगे आनंद क कृष्ण ल आनंदमय संयोग, ई की मात्रा शक्ति, बिंदी मन का हरण करके दोनों का एक दिशा, वो सब दिया। बट वट इज, वो तो समझ लिया, लेकिन क्लिंग में राधा और कृष्ण है, और जो बीच में कृष्ण है उसमें भी राधा और कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण ही बोलते हैं हम, बोलते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण, ये नहीं बोलते क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। लोग जपते हैं पता नहीं तेज तेज, वैसे नहीं, कोई पर्पस नहीं सॉल्व होता। यू अंडरस्टैंड द लव, द अट्रैक्शन, द योगा, कृष्ण इट्सेल्फ, ओनली कृष्ण, ओनली कृष्ण इज द योग, अट्रैक्शन, योग, फीमेल पार, मेल पार, पुरुष शक्ति इज इन द कृष्ण। सो वी कॉल कृष्ण, द इन बिटवीन द री, हम थोड़ा उसको लंबा करते हैं, राधा तत्व है वो, शक्ति है वो, उसके बिना कृष्ण का कोई पर्पस नहीं रह जाता। कशन, हम बोले कशन, कशन कोई मतलब नहीं बनता, हम बोलते हैं कृष्ण हरि, तो हम क्या करते हैं माँ को एक्सटेंड करते हैं, उसमें उसके प्राण भरते हैं, कृष्ण के प्राणों को हम करते हैं कृष्ण, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो ये रिदम में ऐसे चलता रहता है। तो आज गुरु भाई ने पूछा था, गुरुदेव हमें राधा कृष्ण की दीक्षा क्यों देते हैं, तो इस ये भी पूरा टॉपिक है, राधा कृष्ण की दीक्षा गुरुदेव क्यों देते हैं। गुरुदेव को चलो ये उन्होंने पूछा था, तो मैं थोड़ा सा इसमें बता दे रहा हूँ आपको। गुरुदेव ने पहले तो सिद्धि जो हुई गुरुदेव को, गायत्री की सिद्धि हुई, निर्गुण निराकार की सिद्धि हुई, तो वो गायत्री क्या है, शक्ति। और गुरुदेव ने फिर कृष्ण, गुरुदेव कृष्ण उपासक थे, गुरुदेव कहते हैं कि मैं कृष्ण उपासक, तो गुरुदेव कृष्ण का मंत्र जपते थे, लेकिन सिर्फ कृष्ण नहीं जपते थे। तो बाबा का अंक, बाबा से जुड़ने के बाद 1983 में बाबा के जाने के बाद उनको बाबा का आदेश हुआ, तो सिर्फ कृष्ण जपना है, आगे ओम जय श्री कुछ भी नहीं लाना है, सिर्फ कृष्ण जपना है। तो गुरुदेव ने सिर्फ कृष्ण जपा, ओनली कृष्ण। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलोन सिर्फ एक कृष्ण कुछ सर्व करता है, पर्पस, हाई पर्पस सर्व करता है सिर्फ कृष्ण, क्योंकि वो अपने आप में पूरक है। जब हम कहते हैं ना श्री कृष्ण, श्री क्या है पता है, श्री क्या है, वृंदावन में जाओ तो पता चलेगा, वहाँ कहते हैं श्री जी, श्री का मतलब है राधा, श्री कृष्ण राधा कृष्ण, श्री गुरुदेव। जब मैं नया नया चेतन हुआ था ना, व्हेन आई वाज इनिशियली, व्हेन गुरुदेव यू नो अवेकन्ड मी आफ्टर 5 years, ही इनिशिएटेड मी इन 2014, बट आई वॉज रियली अवेकन्ड, जिसे चेतना कहते हैं आना, चेतना का जागना या अंतर्मुखी होना कहते हैं, द रियल अवेकनिंग वेन हैपन्ड, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपन्ड एट दैट टाइम, द वन थिंग वॉज द श्री, आई यूज टू कॉल गुरुदेव, पीपल कॉल जय गुरुदेव, आई स्टार्टेड कॉलिंग श्री गुरुदेव, वेन आई यूज टू ग्रीट पीपल,
आई यूज टू से श्री गुरुदेव लाइक श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण आई स्टार्टेड कॉलिंग श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव मैं श्री गुरुदेव बोलता था लॉट ऑफ पीपल ऑब्जेक्टेड ऑन इट विद ईगो विद दे हैव देयर ओन फंडा वाई समबडी इज कॉलिंग श्री गुरुदेव आई कॉल आउट वट एवर आई वॉन्ट मैं जो भी कहूँ मेरी मर्जी है मेरा प्रेम है ये किसी को दिक्कत क्यों दे सकता इट्स ओनली गिव द प्रॉब्लम वैन यू हैव द ईगो इन यू अदरवाइज वट एवर इज हैपनिंग इट शुड नॉट बॉदर यू वैन इट बॉदर्स यू दैट मीन्स सम वेयर यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम विद इट सो पीपल ऑब्जेक्टेड इट वाई कॉलिंग श्री गुरुदेव वी कॉल जय गुरुदेव ही कॉल श्री गुरुदेव देन आई एक्सप्लेन श्री मीन्स द फर्स्ट द माई फर्स्ट कॉल इज टू गुरुदेव आई डो नॉट कॉल द जय आई जस्ट कॉल द श्री बिकॉज आई फील श्री इट्स ओन इज द फर्स्ट थिंग जय shouldn't come first first should come shri the win should not come first the jai means the victory should not come first should come the shri my call I do not want the victory I want you to come the victory and the loss is the later thing the shri gurudev I came later I understood the shri is the shakti guru the guru we call shri gurudev the guru before even before guru the guru work is done with the shakti the radha shri gurudev when we went to the vrindavan shri ji the radha then I understood why jai shri krishna jai radha krishna and the whole mahabharat says there is no radha The name of the Radha is not mentioned. Instances one or two somewhere, because there was a when the Rishi was writing the Shri the Radha. When he calls the Radha, he go unconscious for the 6 months. वो 6 महीने के लिए बेहोश हो जाते थे, ध्यान में चले जाते थे. राधा एक बार जपने से, तो उनके लिए परीक्षित को वो सुनाने के लिए बहुत मुश्किल थी. तो उन्होंने कहा कि अगर मैं राधा बोलूँगा 6 महीने के लिए, तो ध्यान में चला जाऊँगा. और परीक्षित तो 7 दिन का मेहमान है. परीक्षित has only 7 days. And if I just speak out the name of the Radha, once I go into the deeper conscious for the dhyan for the 6 months, so what should I do? So he skipped the Radha. He used the alternate name of the Radha, Shri, and other names also. So this name, this power is very important. So Gurudev initiate us into the. He gives us the mantra, which is the. Sanjeevani mantra it is into two parts first is the klinga second is the krishna the klinga is the start to end point your whole journey covers the klinga yahan stroke lagta hai the klinga the start from the mooladhara to the sahasrara the entire path covers with the beej mantra from the beej to nirbeej is klinga बट वट यूल डो आप क्या करोगे आप निर्बीज पहुंच गए डोर पर खड़े हो दरवाज़ा नहीं खुल रहा पहुंच गए निर्बीज करके दरवाज़ा नहीं खुल रहा दरवाज़ा खोलने वाला वेलकम करने वाला कृष्ण है सो द पाथ एंड द ओपनिंग द गेट कृष्ण इसीलिए क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग पाथ मोक्ष तो राधा क्या देती है आपको संसारिक सुख देती है द्विजी यात्रा करने में सहायता करती है संसारिक यात्रा भी आध्यात्मिक यात्रा भी और कृष्ण क्या करता है ओपन्स द डोर वेलकम गुरुदेव कहते हैं ना जपो उसका नाम जपो तो उसको कहना पड़ेगा यस प्लीज कम इन तो इट इज अ पर्पस मंत्र का पर्पस है ना चलो अच्छा जिस पे बात करनी थी जयकारा क्यों कहते हैं वो तो लेट ही हो गया वो तो बहुत देर होगी अपने को शांति भूषण कह रहे हैं जयकारा द्वारा हम अपने आप को एक्टिवेट करते हैं जिससे हमारी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और हमारा मन मेडिटेशन में लग जाता है इट्स द सेम थिंग वी एक्टिवेट आवर सेल्फ विद द जयकारा एंड इट हेल्प अस टू कॉन्सेंट्रेट टू मेडिटेट एंड सो दैट वी गो इनटू द डीपर मेडिटेशन दैट्स व्हाट ही सेज नाउ व्हाट इज जयकारा यू ऑल आर गुड एंड यू हैव गिवन वेरी गुड ग्रेट एक्सप्लेनेशन वेरी गुड एक्सप्लेनेशन इन एक्चुअल
सी द पीपल व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट. लोग सड़कों पे जाते ना, कहते हैं जय श्री राम. मंदिरों में जाते हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी. सो व्हाट व्हाई वी कॉल जयकारा, जयकारा, जय मीन्स द विन, द विक्ट्री. विक्ट्री डज नॉट मीन द ओनली फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर गॉड, द गॉडेस. विक्ट्री ओवर व्हाट, विक्ट्री ओवर व्हाट, किस चीज में आपको जीत लेनी है. जयकारा इट्सेल्फ इज द प्रे, इज द ये प्रार्थना है. जयकारा ही प्रार्थना है. शॉर्ट, सबसे छोटी प्रार्थना अगर इस दुनिया में है तो वो है जयकारा, जय गुरुदेव. ये प्रार्थना है, इसके अलावा आपको प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है. जय गुरुदेव मीन्स माय गुरुदेव, मेरे गुरुदेव की जय हो. लेकिन कहाँ, पूरे विश्व में मेरे गुरुदेव की जय हो, जरूरत नहीं आपको गुरुदेव. आप कहते हैं जय गुरुदेव, इट्स नॉट अबाउट गुरुदेव की जय इन द होल संसार. इन एक्चुअल इट डज नॉट शो द आउटर वर्ल्ड जयकारा. गुरुदेव का जयकारा आउटर वर्ल्ड में बुलाने से नहीं होगा, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव. इट विल ओनली मेक द अवेयरनेस अबाउट द गुरुदेव, बट ये विक्ट्री नहीं होगी. तो लोगों को हम जब बोल के शब्द का अनाउंस करते हैं तो सब समझाने के लिए कि जय हो. जैसे गुरुदेव एक जगह कहते हैं कि जो पटेल है ना अमेरिका में, द पटेल्स लिव्स इन द अमेरिका, दे कॉल एवरी कॉल, दे पिकअप द कॉल, दे से जय श्री कृष्ण, दे ग्रीट ईच अदर विद द जय श्री कृष्ण. सो गुरुदेव सेज आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव पॉपुलर मेड द कृष्ण नेम वेरी पॉपुलर इन द फॉरेन कंट्री, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. सो जयकारा, वेन वी ग्रीट समबडी विद द जयकारा, वी मेक द पॉपुलर ऑफ दैट पर्सन और द गॉड with calling out the jayakara, but it does not show the win in the world. Everybody knows somebody's name, that does not make that he is victorious. So when we call the jayakara, it means mere guru ki jay ho, my guru should be victorious over my mind, my body, my prana, my gyan, my anand, my chit aur mera sat. To mere guru ki jay ho mere sare khandon mein. मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ कि हे गुरु, बी इनटू माय बॉडी, इन माय फिजिकल बॉडी, बी इनटू माय प्राण एंड डिफीट द वीकनेस ऑफ माय प्राण, बी इनटू माय बॉडी, डिफीट माय वीकनेस एंड माय डिसीजेस, बी इनटू माय माइंड एंड डिफीट माय मेंटल एगोनी, मेंटल टेंशंस. हे गुरु, तू मेरे शरीर में बस जा और मेरे शरीर की सारी बीमारियों को ठीक कर. हे गुरु, तेरी जय हो, तू मेरे प्राणों में बस जा और जो मेरी वीकनेस है मेरे प्राणों के माध्यम से, मेरी जो अटैचमेंट है, मेरी जो बॉन्डेजेस है, उन पे विजयी हो. हे गुरु, तू मेरे मन में वास कर, मेरे मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को हरा के वहाँ जयी हो, विजयी हो, मुझे उससे मुक्ति दे. हे गुरु, तू मेरे अंधकार में प्रकाशित हो, मुझे ज्ञान दे, मुझे अविद्या से विद्या की तरफ ले जा. हे गुरु, तू विजयी हो मेरी अशांति में और मुझे शांत कर, मेरे मन को शांत करके मुझे आनंद दे. हे गुरु, तेरा आनंद हो. हे गुरु, तू मेरे चित्त में समा के मेरे त्रिगुणात्मक प्रकृति के दोषों को नाश करके, कर्म बंधन से मुक्त करके मुझे समिष्ट चित्त की तरफ लेके जा. हे गुरु, तेरी चित्त में जय हो. हे गुरु, तेरी सत्य में जय हो, तू सत्य है. सत्य में कोश को जब हम कहते हैं या सत्य को उजागर करते हैं, तो हे गुरु, तेरी सत्य की तेरी जय हो, ताकि मेरे अंदर सत्य उजागर हो. तो अगर आप जय गुरुदेव कहते हो तो आपने अपने सारे शरीर, जिसे हम कहते हैं सप्त शरीर कह लो, इन सातों को ऊर्जावान किया. इट्स नॉट अबाउट मेडिटेटिंग, इट्स नॉट अबाउट असेंडिंग टुवर्ड्स हिम. इन एक्चुअल इट इज गुड, आपने जो कहा वो ठीक ही कहा, लेकिन कहाँ जाना है ध्यान लगा के आपको, कहाँ जा रहे हो ध्यान लगा के? यहाँ बैठ के हिमालय पे तो नहीं जा रहे हम ध्यान लगाने, कुछ तो है जो अंदर ही है. तो ध्यान लगाने का मतलब क्या है? ध्यान लगाने का मतलब है कि मैं एक ऐसी जगह पे अपने डीपर कॉन्शियस में पहुंच जाऊं. वहां पर पहुंचने के लिए रास्ते में जो अड़चने हैं वो फाइट है, तो आपको ध्यान लगाने में असेंड करता है, ठीक है. लेकिन पर्पस सिर्फ वहां पर जाके बैठ नहीं जाना है, सिर्फ ध्यान में लगाने के लिए नहीं है. अगर मैं वैष्णो माता जा रहा हूं या किसी टेम्पल में जा रहा हूं, तो मैं जब कह रहा हूं कि जय श्री गुरुदेव, जय श्री राम, जय माता दी, जय हनुमान, मैं जब कह रहा हूं, तो जब मैं वहां पहुंचूं विग्रह के पास,
10 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के कहीं जाके या कुछ भी करके जब मैं वहाँ पहुँचूँ तो वो जो पीछे जितना भी मैंने रास्ता तय किया है ना, तो मेरे शरीर पे जब मैं जब जब मैं चल रहा हूँ तो जो मेरे पैरों में जो जब हम गोरखनाथ टेम्पल गए ना, तो इट्स स्टीप दिस माउंटेन एंड इट इज़ अ वेरी स्टीप टू यू नो असेंड ऑन द माउंटेन. देर इज़ नो स्टेयर्स केस और एनी थिंग, इट्स बीन यू नो जस्ट अ रफ रोड विद अ वेरी स्टीप इंक्लिनेशन. सो वी कॉल द जयकार ऑफ द गुरुदेव सो दैट द गुरु बी इन टू माई बॉडी एंड एनर्जाइज, एंड जो वो थकान होगी, जो वो परेशानी होगी शरीर को, मेरा ब्लड प्रेशर को, ये सबको, इसको तो जय हो, इसको कंट्रोल कर. तो जयकारा मीन्स अपने पूर्ण रूप से प्रार्थना करना कि मेरे किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से को या शरीर के किसी भी सूक्ष्म भाग को, उस भाग को तू जय हो जा, उसमें तू समा जा. तो ये एक प्रार्थना है, दिस इज़ द प्रेयर. इफ वी कंक्लूड द जयकारा इन वन वर्ड, इट इज़ द प्रेयर. तो जयकारा क्या है? प्रार्थना है. प्रार्थना हमारे सप्त शरीरों के लिए, सब जगह उसकी जय हो, बाहर नहीं. अगर आपने अंदर जय कर ली, इन सातों चीजों पे जय कर ली, तो जा पिंडे सही ब्रह्मांडे, तो बाहर उसकी जय हो जाएगी. क्योंकि उसकी जय नाम नाम बोलने से नहीं होगा, उसकी जय होगी आपके बदलाव से. आपके शरीर में बदलाव आएगा, मन में, प्राण में, आनंद में, ज्ञान में, चित्त में, सत्य प्रकट होगा. आपका ये बदलाव होगा. ये इस बदलाव को जब आप बाहर कहेंगे, बोलो हाँ यू आर सो चेंज्ड, व्हाट हैपेंड, व्हाट यू डिड, आई डिड सिद्ध योग, गुरुदेव रामलाल जी सियाग इज द कॉज ऑफ माई चेंज, ओ रियली, ही इज ग्रेट मैन, यस, ही इज विक्टोरियस, इट्स हिज विक्ट्री. ओ बोलो समर्थ सदगुरुदेव, गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की जय. नाउ कॉल्स, अब आती है जय, बिकॉज ही मेड मी विक्टोरियस. जय मैं उनकी बुलाता हूँ, लेकिन विजयी मुझे होना है, मुझे विजयी होना है अपने खंडों में, अपने शरीरों में, अंदर, ताकि बाहर हो. तो जय गुरुदेव इज अ सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव प्रेयर, इट्स अ प्रेयर. नाउ पीपल मस्ट अंडरस्टैंड, दोज हु स्पीक इंग्लिश, व्हाई वी वेस्ट 9 मिनट्स. सो इट्स नॉट अ वेस्टेज, इट इज अ पावर ऑफ प्रेयर. प्रेयर हैज ग्रेट पावर. एंड वी प्रे टू द गुरुदेव, प्रे टू द दादा गुरुदेव, प्रे टू माँ, प्रे टू सनातन धर्म, प्रे टू, नाउ वी आर प्रेइंग टू द श्री गोरखनाथ जी. एंड नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, वेन वी कॉल आउट द जयकार ऑन द पर्टिकुलर कल्कि अवतार, मीन्स वट इज हिज करेक्टर, वी आस्क श्री राम टू गिव द करेक्टर सो दैट वी कैन विन ओवर आवर बॉडी ऑन आवर माइंड. इफ आई कॉल जय श्री राम, दैट मीन्स हे राम, गिव मी योर करेक्टर ऑन द बॉडी यू हैव, द करेक्टर विद विच योर बॉडी इज सच अ स्ट्रांग बॉडी, योर करेक्टर शुड डिसेंड इन टू माई बॉडी सो दैट माई बॉडी ऑल्सो बिकम स्ट्रांग, माई प्राणा, माई माइंड ऑल्सो. तो हे राम, अपने शरीर की ताकत, मैं समझू तेरे शरीर की ताकत मेरे शरीर में ट्रांसेंड हो, मेरे मन में हो, मेरे प्राण में हो. इसी तरह से जब मैं गोरखनाथ मंदिर गया, वेन वी गो टू द गोरखनाथ मंदिर, देर वॉज अ श्लोक रिटन ओवर देयर, आगे आगे गोरख जागे. दैट मीन्स वेन यू असेंड, असेंड इज अ वेरी ईजी वर्ड टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश. ही सेज वेन यू कम फॉरवर्ड, वेन यू गो अहेड, वेन यू गो अहेड द गोरखनाथ अवेक्स. बट इन स्पिरिचुअलिटी वट वी अंडरस्टैंड, वेन यू असेंड your consciousness, your chetana ascends, then you see the Gorakhnath is waiting for you. The guru of the guru, the master of the master is the Gorakhnath, because he is the founder of the yoga. Yoga means I panth. He elaborated the yoga. So when the disciples from different streams ascend toward the source from where it started,
द गोरखनाथ इज यू नो विद हिज ओपन आर्म ही सेज कम फॉरवर्ड ही सेज आगे आगे गोरख जागे व्हेन यू कम फॉरवर्ड व्हेन यू असेंड टुवर्ड्स द सोर्स यू विल सी आई एम अवेकनिंग माय पावर इज अवेकनिंग माय नॉलेज इज अवेकनिंग आई एम अवेकनिंग मीन्स माय पावर अवेकनिंग आई एम अवेकनिंग माय ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स विल अवेकन इन यू यू विल अंडरस्टैंड द नॉलेज सो इट्स गोरखनाथ इज एन एलिमेंट गुरुदेव इज एन एलिमेंट दादा गुरुदेव इज एन एलिमेंट माँ शक्ति इज एन एलिमेंट सनातन धर्म सत्य दीज आर देन एलिमेंट्स सो वी कॉल आउट द जयकारा हम जयकारा बुलाते हैं क्योंकि ये जो चीज़ें इनकी जागृति हम में आती है और ये शिक्षा हमें कहाँ से मिली गोरखनाथ जी के मंदिर से मिली वहाँ जब पहुँचे चोटी पर आगे आगे गोरख जागे सो हम जितने भी लोग साधना कर रहे हैं हमारी साधना संतों की साधना है नाथों की आप गुरुदेव से संसार समझोगे लेकिन नाथों को समझने के लिए भी आप पे गुरुदेव दादा गुरुदेव की जो ऊर्जा है ना वो आपको वो ज्ञान जो मिलेगा और आपको जो जानकारी मिलेगी अपने संस्कारों के बारे में अपने सनातन धर्म के बारे में कहाँ से आया कैसे आया और जब गोरखनाथ की चेतना जब आएगी तो गोरखनाथ क्या करते पता है व्हाट डज गोरखनाथ डू व्हाट ही डज What Gorakhnath does? Very earlier session, a very old session, and I understood when we were doing satsang. Then I understood what Gorakhnath, when he awakes in you, what he does. He is the real. The generator of the power. He is the revolution, Gorakhnath. When he awakens in you, the first time you become Dvij, जब आप जागृत होते हो, he awakes even when you start. That means, when you are ready to be awakened, you are Dikshit, आप Dikshit हो गए हो. लेकिन आप जागृत नहीं हुए अभी दीक्षा लेने से जागृत नहीं होते गोरखनाथ जी आपको कब एक्सेप्ट करते हैं पता है एनीबडी प्लीज कोई बता सकता है बहुत बार बात की हमने इस बारे में गोरखनाथ कहते हैं कि मैं 8 अंगों को मानता ही नहीं योग के जिसमें यम और नियम नहीं वो मेरा शिष्य नहीं वो तो शुरू ही आसन से होता है आसन का मतलब क्या है पता है आपको क्यों आसन से एक्सेप्ट करते हैं वो आसन जब आपका लगेगा तो आपके माइंड पे काम हो रहा है जैसे जैसे मन स्थिर होता है आसन लगना शुरू हो जाता है तो जिसका आसन लगेगा उसका मन स्थिर होगा तो गोरखनाथ कहते हैं पहले ये दुनियावी जो झंझट है इनमें अपना मन शांत करो तब गुरु की शरण में आओ क्योंकि मेरा पथ वहीं से शुरू होता है ठीक है तो 6 अंगों वाला योग जो है वो गोरखनाथ के अधीन हो जाता है यम और नियम की कृपा है आप पर गुरुदेव दादा गुरुदेव ने इतनी कृपा की है कि उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं तू यम और नियम भी ले ले मैं कर देता हूँ तेरे लिए यम और नियम ठीक है यम और नियम करने के लिए जो कहते हैं ना 20 वर्ष लगेंगे जो गुरु कहते हैं ना इन द स्टार्ट वी टोल्ड ना गुरु सेज इट विल टेक 20 ईयर्स फॉर यू टू बी रेडी फॉर द the energy to be activated, that's what yam and niyam, that means how to live, how to handle your responsibilities, yam and niyam, there's 5 parts in the yam, 5 in the niyam, how to handle your death, how to foresee your death, how to control your death and how to live your life, both yam and niyam, your thinking and your actions, both should be controlled, should be balanced. Should be like humans. So you are filtered with the actions and with the thought process. Then you reach to the mind. You cannot reach to the mind directly without purifying your actions and purifying your thoughts. Your mind cannot be stabilized. So Gorakhnath says, you pure your body, actions, you pure your thought process, then your mind is cool, come to me and I'll take you further. So Gorakhnath starts when you awaken, jab aap chetan hote ho. दीक्षा गुरुदेव देते हैं
तो समय लगता है, किसी को 2 वर्ष, किसी को, मेरे को 5 वर्ष लगे, यम और नियम को सिद्ध करने में 5 वर्ष लगे, लेकिन गुरु के अंडर किया इसलिए, गुरु ने किया इसलिए, अगर मैं करता तो मुझे 10 वर्ष लगते, और सॉरी 10 वर्ष का 10 जन्म लगते, तो गुरु ने 5 वर्ष में कर दिया। और जब हो गया तब चेतन हुआ, यहाँ से शुरू होता है साधना, द्विज कहते हैं उसको। तो गोरखनाथ इज द रियल अवेकनिंग, द चेतना। सो आगे आगे गोरख जागे, सो फर्स्ट यू हैव टू बी अवेकन द पॉइंट, देन यू असेंड आगे आगे, ही अवेकन्स फुल्ली अवेकनिंग इन यू, एंड वेन यू रीच टू द आगे चक्कर, योर ट्रांसफॉर्मेशन इन टू द गुरु हैपन्स। हु इज गुरु? योर ट्रांसफॉर्मेशन इन टू रामलाल जी स्याग विल हैपन एट द सेम टाइम, योर ट्रांसफॉर्मेशन इन टू गंगाई नाथ जी हैपन एट द सेम टाइम, योर ट्रांसफॉर्मेशन इन टू नवनाथ, ट्रांसफॉर्मेशन टू द गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ हैपन्स, दे ऑल आर बींग द नेम एज गुरु। सो शिष्य जब आज्ञा चक्र पे पहुंचता है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन उसके गुरु में होता है। तो गुरु कौन है? गुरुदेव कहते हैं शरीर गुरु नहीं है, दैट मीन्स यू कैनॉट से योर ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन टू द दिस बॉडी, गुरुदेव बॉडी। गुरुदेव कहते हैं गुरु शरीर नहीं, ये तो चला जाएगा। सो जो चला गया शरीर, उसमें मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं करूंगा। गुरुदेव खुद कह गए मैं छोड़ दे रहा हूं इसको, तो तू इसको क्यों पकड़ेगा? तो गुरु शरीर नहीं है, तत्व है। तो वो तत्व क्या है? वही गुरुदेव में था, वो गंगाईनाथ में था। गंगाईनाथ ने वो तत्व गुरु में देना था, इसलिए अपनी बॉडी छोड़नी थी, क्योंकि वो तत्व एक समय में एक ही में रह सकता है। तो वो गुरु में आ गया, गंगाईनाथ जी चले गए। वही तत्व मुझ में जब एक्टिवेट होगा, आप में जब एक्टिवेट होगा, तो आज्ञा चक्र पे ट्रांसफॉर्मेशन लेगा। यहाँ तक तो वो ट्रांसफॉर्म करेगा आपको, पहले तो यम नियम डेवलप होने में टाइम लगेगा, दीक्षा हो जाएगी, चेतन नहीं होंगे। फिर जब चेतन होंगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका, शिष्य का। फिर ट्रांसफॉर्मेशन होते होते जब रेडी हो जाओगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गुरु में, यहां से आगे शिष्य नहीं है। शिष्य कभी ससुराल में नहीं पहुंच सकता, शिष्य का अंत हो जाता है आज्ञा चक्र पर। शिष्य एंड्स एट आज्ञा चक्र, अग्ना चक्र, बियॉन्ड दैट शिष्य कैनॉट गो, बिकॉज ओनली गुरु इज बियॉन्ड आज्ञा चक्र। सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिसाइपल इन टू द गुरु स्टार्ट्स फ्रॉम द आज्ञा चक्र। दिस इज द रियल डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। सो फर्स्ट यू नीड टू रीच एट द आज्ञा चक्र, विच इज फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस एंड अटैचमेंट। सो आगे आगे गोरख जागे, दैट मीन्स यू हैव जस्ट रीचिंग टू द पॉइंट वेयर द ट्रांसफॉर्मेशन विल स्टार्ट। सो फ्रॉम हेयर योर ट्रांसफॉर्मेशन टू द गुरु विद द गोरखनाथ विल स्टार्ट। नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन इज डन इन टू यू थ्रू द गुरु तत्व, बट वेन योर ट्रांसफॉर्मेशन इन टू द गुरु विल स्टार्ट, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन यू से आगे आगे गोरखनाथ जाके। सो द न्यू जयकारा, जो गुरुदेव जी का, गोरखनाथ जी का न्यू जयकारा यहाँ पर आया है। आप समझ लो कि सत्संग की जो यात्रा है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन आज्ञा चक्र से ऊपर के ज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं। हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी मैं नहीं जानता, किसकी होगी, मेरी हो रही है, किसी की हो रही है, किसकी हो रही है पता नहीं, लेकिन गोरखनाथ का जयकारा आने का मतलब है शिष्य तत्व को गुरु तत्व में ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ चुका है सत्संग में। तो व्हेन वी से जय गोरखनाथ, दैट मींस शिष्य का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द गुरु। अभी तक हम क्या करते, गुरुदेव मुझे लोभ से बचाओ, लालच से बचाओ, क्रोध से बचाओ, काम से बचाओ, ईर्ष्या से बचाओ, मुझे बचाओ, ये यहाँ तक का है। यहाँ से आगे, हे गुरु मुझ में स्वयं को जागृत कर दे, मुझे स्वयं में बदल दे। हम ये प्रार्थना तो करते ही नहीं कि गुरु मुझे अपने आप में बदल दे, हम कहते हैं गुरुदेव कृपा करो मुझ पे। तो गुरु इज देयर, आई एम हेयर, बट व्हेन गोरखनाथ से आगे आगे गोरखनाथ जागे और द जयकारा, व्हेन गोरखनाथ जयकारा कम्स, देन इट मीन्स योर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू योर गुरु तत्व, नॉट द बॉडी। बट गुरु सेज ये बॉडी गुरु नहीं है। तो ये बॉडी गुरु नहीं है, कहाँ तक है बॉडी? यहाँ तक है ध्यान। बॉडी का कहाँ तक है? यहाँ तक। गुरु कहते हैं मेरा यहाँ ध्यान करो, तो बॉडी इज ओनली अप टू हेयर, अबव दैट इज एन एलिमेंट, गुरु एलिमेंट। तो वो गुरु कौन है, कहाँ से आया वो तत्व? मूलतः वो तत्व आया कृष्ण ही, गुरु है, जगत वंदनम गुरु कहते हैं ना, जगत का गुरु कृष्ण है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हुआ एक बॉडी में कृष्ण, गोरखनाथ, वो मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, वो सारा कुछ नीचे नीचे। तो मूल जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो
किसका नाम जप रहे हैं? कृष्ण। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए यहां पहुंचना पड़ेगा, और यहां पहुंचेगा शिष्य, और यहां से यहां पहुंचेगा गुरु, और यहां पर बन जाएगा वो ईश्वर। गुरु ही ईश्वर है। यहां यहां जाने का कोई रास्ता नहीं है, और ये डायरेक्ट नहीं है। यहां से नीचे आना पड़ेगा, फिर नाभि में जाना पड़ेगा, नाभि से फिर ऊपर आते हुए यहां आना पड़ेगा। बीज भी तो नष्ट करने ना, नाभि से उत्पत्ति है आपकी, आज्ञा चक्कर से आपकी उत्पत्ति नहीं, नाभि से। नाभि में पहुंचेंगे तो सभी समाधि लगेगी। सभी समाधि का अर्थ है ब्रह्म। ब्रह्म को देखा है? कमल के फूल पे बैठता है। कभी कमल का फूल देखा है? हैव यू सीन द ब्रह्मा सिटिंग ऑन द लोटस फ्लावर? हैव यू सीन द लोटस फ्लावर इन द वॉटर? द रूट ऑफ द लोटस इज इन टू द वॉटर, इन द मडी वॉटर, बट द लोटस इज अबव द वॉटर। इट इज द सबीज समाधि। द ब्रह्मा सिटिंग इन द लोटस फ्लावर इज इन टू द सबीज समाधि। हिज बीज, हिज द रूट इज इन साइड। सो ब्रह्मा इज नॉट लिबरेटेड, ही इज अटैच्ड टू द नाभि, टू द नवल। द ब्रह्मा हिमसेल्फ इज अबव द वॉटर, अबव द वर्ल्ड। ही क्रिएट द वर्ल्ड, ही इज अबव द वर्ल्ड, बट ही इज नॉट लिबरेटेड बिकॉज ही इज अटैच्ड विद द रूट्स अंडर वॉटर फ्रॉम द नाभि, दैट इज द विष्णु। नाभि द रूट्स, आर रूट इज इन टू द नाभि। बीज यहाँ है नाभि में। तो व्हेन सबीज समाधि विल हैपन, जब आपकी समीज समाधि होगी तो ब्रह्मा की स्थिति होगी आपकी, क्योंकि ब्रह्मा ही जानता है कि रचना हुई कैसे, बीज है कैसे। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन सबीज समाधि में ब्रह्मा में होगा। तो ब्रह्मा जानता है मैंने कैसे रचना की, बीज है कहाँ। तो यू आप यूल गो टू द नवल पावर। नवल पावर इज द सुप्रीम पावर, वहीं से सब कुछ जनरेट होता है। तो आज्ञा चक्कर पे पहले आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपकी स्थिति बदलेगी, गुरु की स्थिति आएगी। ब्रह्मा जगत पिता है, गुरु है। तो फिर उसकी उपस्थिति कहाँ हुई, आपकी उपस्थिति एज ए ब्रह्मा कहाँ हुई, वहाँ जाओगे। वहाँ से फिर नारायण कृष्ण वो कहाँ है, उसकी तो नाभि है सिर्फ सबीज। देन कृष्ण, तो गुरुदेव ने क्या कहा, ये मंत्र जपो। क्या मंत्र जपो? क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो कृष्ण क्लिंग तक तो बीज नष्ट हो जाएंगे आपके, यहाँ तक पहुँच जाओगे, बीज नष्ट कर लिया आपने। लेकिन ओपन द डोर द कृष्ण, इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि मुझे दो सिद्धियाँ हुई, एक तो निर्गुण निराकार, एक सगुण साकार। ठीक है, कृष्ण क्या है? कृष्ण से ही सारी उत्पत्ति है, कृष्ण ही है जिससे सब सस्टेन करता है, सब कुछ करता है, अल्टीमेट तत्व। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी, तो जयकारा इज द प्रेयर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने क्या देखा अपने सेशंस में, अपने सत्संग में हमने चेंज देखा। पहले हम गुरुदेव, जय गुरुदेव, दादा गुरुदेव का लगाते थे, फिर समाधियों का जयकारा लगा, फिर काजलवास का लगा, फिर कल्कि अवतार का लगा, सनातन धर्म का लगा, माँ का लगा, फिर गुरुदेव का लगा। दैट मीन्स वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इन टू द थ्रू द जयकारास, थ्रू द प्रेयर्स वी आर ट्रांसफॉर्मिंग आर सेल्फ। एक्स्ट्रा प्रेयर की जरूरत ही नहीं है किसी भी व्यक्ति को, अगर उसे नॉलेज है। दिस इज वर्ल्ड, व्हाट इज ज्ञान, इसे कहते हैं ज्ञान, इसे कहते हैं सत्संग। आपको पता चलता है आपके बारे में, आपको पता है कि आपको यहाँ से बाजार जाना है, ये रास्ता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता, आप नए आए हो मोहल्ले में, इफ़ यू आर न्यू टू द कॉलोनी एंड यू नीड टू गो टू द मार्केट, यू डू नॉट नो द वे एंड यू पिक अप द रॉन्ग वे, यू गो टू द 10 किलोमीटर देयर वापस बैक होम, यू नेवर रीच टू द मार्केट विच इज जस्ट 2 मिनट्स अवे फ्रॉम हियर। दिस इज कॉल्ड द नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, द नॉलेज अबाउट द पाथ, सत्संग। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन, दैट इज वाई इट मस्ट कॉन्टिन्यू टू नो द बेसिक थिंग। जयकारा वी डू नॉट नो, द पीपल वो सब लोग जो हैं सब जयकारा लगाते करते हैं, लेकिन क्या उन्हें पता है? वो अलग से प्रार्थना करते हैं, पहले जयकारा लगाएंगे फिर अलग से प्रार्थना करते हैं। वेस्ट हुआ ना टाइम प्रार्थना के लिए। अगर ये जान जाएं कि जयकारा ही प्रार्थना है, अगर हमारी नॉलेज हो जाए, इनलाइटन हो जाए हम लोग, जयकारा इनलाइटन हो जाए हमारा, तो हमें पता है कि हम इफेक्ट पड़ता है, जानकारी से ही इफेक्ट पड़ता है, नॉलेज से ही उसको पाना संभव है। तो द कंपनी ऑफ द ट्रूथ एवरीथिंग गेट्स इनलाइटन, इसलिए सत्संग बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए भी बहुत ज़रूरी है।
ये वो खजाना है, ये वो दौलत है जिसको अगर हमने खो दिया तो हम बहुत कुछ खो देंगे। ठीक है, सो सत्संग मस्ट कंटिन्यू, यू मस्ट सपोर्ट इट। नॉट यू आर नॉट सपोर्टिंग मी, नेवर थिंक दैट यू आर सपोर्टिंग मी, यू कैंट सपोर्ट मी, आई हैव लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। इफ यू सपोर्ट मी, आई नीड टू गो टू द अमेरिका, आई नीड टू गो टू द लंडन, आई वॉन्ट टू परचेज दीज थिंग्स, आई वॉन्ट टू हैव दीज थिंग्स, यू कैनॉट सपोर्ट मी बिकॉज आई एम वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज माई नीड्स माई ग्रीड्स विल एक्सपेंड, सो यू कैनॉट सपोर्ट मी एंड आई डो नॉट एक्सपेक्ट यू टू सपोर्ट मी। इफ़ यू सपोर्ट मी, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू सपोर्ट। आपको अगर मुझे सपोर्ट करना है तो मेरी बहुत सारी इच्छाओं को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। मुझे मत सपोर्ट करो, आप कर भी नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए। सपोर्ट करो इस सत्संग को, सत्संग होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए सो फॉर टुडे लेट्स सरेंडर दिस नॉलेज, दिस सत्संग इन टू द लोटस फीट ऑफ श्री गुरुदेव, बिकॉज एवरीथिंग कम्स फ्रॉम देयर। एंड वी विल मीट टुमारो एट 6:30 फॉर द मेडिटेशन, एंड टिल देन कल मिलते हैं सुबह 6:30 बजे ध्यान के लिए। तब तक आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। दिस इज द प्रेयर, एंड्स विद द प्रेयर, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री।